की मदद कर रहे, पीछे दलजीत जो कवर फायर दे रहे थे वो भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। बट क्या वहां पे लिथियम ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं उस ब्लू जोन के अंदर, ये देखने वाली बात रहेगी। प्लेयर टू अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, डज ही हैव दैट मिथ, क्या एक हील बैटल वो कर रहे हैं या शॉट्स लेते हुए दिखाई देंगे। यस, हील बैटल वहां पे उनकी तरफ से स्टार्ट हो चुकी है एंड स्लेयर को पता है कि एक प्लेयर वहां पे मौजूद है। किलपीट के अंदर अभी तक प्ले जोन की तरफ से कोई भी प्लेयर क्लेम नहीं हुआ है, इसीलिए वो पूरी तरीके से चौकन्ना उस विंडो की तरफ क्रॉस हेयर की प्लेसमेंट लगा के बैठे हुए हैं। अभी भी उनको पता है प्ले जोन से प्लेयर क्लेम नहीं हुआ है, जरूर यहाँ पे वो प्लेयर आने वाला है। किलपीट की तरफ अगर आपका ध्यान लेके जाऊं, हाइड्रा की टीम लगातार यहाँ पे पिक्स निकालती हुई दिखाई दे रही है। एंटिटी की टीम को उन्होंने सब्सटेंशियल डैमेज दिया है इस क्लोजिंग सिक्स सर्कल के अंदर। जी बिल्कुल, यहाँ से काफी अच्छा डैमेज देते हुए नजर आ रहे हैं आखिरी 8 खिलाड़ी, 4 टीमों के बीच का मुकाबला और ब्लू जोन के बाहर। अब कितने लंबे समय तक सरवाइव करेंगे ये प्लेयर, मैं ये देखना चाहूंगा। और चौथे पोजीशन पर क्या बाहर होते हुए नजर आएंगे लिथियम के आखिरी सर्वाइविंग प्लेयर, प्लेयर टू उनका नाम भी है और वो सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे। टीम हाइड्रा 10 फिनिशर्स बटोर चुकी है और ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के डार्क को डाउन किया जा चुका है। वीएलटी के स्लेयर यहाँ पर डाउन होते चले जा रहे हैं, कई टीमें अपने प्लेयर्स को लूज कर सकती है यहाँ, और स्लेयर का ऑलरेडी एलिमिनेशन भी होता हुआ और प्लेयर टू यहां ब्लू जोन के बाहर रहते हुए जाते जाते एक पूरी टीम को एलिमिनेट करके गए हैं। तो एक शानदार प्रदर्शन वहां लिथियम ईस्पोर्ट्स की तरफ से देखने को मिला और हाइड्रा डेंजर एक तगड़ा ड्रॉप शॉट लेंगे और उसी के साथ ये मैच अपने लिए एक बिना सेकंड रनर में कन्वर्ट करते हुए नजर आएंगे। एक सेकंड के लिए मुझे लगा था ट्रूपर क्या इन्होंने इस मैच को लूज कर दिया है, क्या गवा दिया है, बट जी नहीं, ये मैच अपने लिए सिक्योर।